Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तश्वीशनाक सूरतेहाल, पाकिस्तान में कोरोना फैलने की शरह 12% से तजावुज़ कर गई। दूसरे रोज़ भी 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना से मज़ीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी हैं। जुडिशल कमीशन ने 6 जनवरी को जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की सिफारिश की थी। इमरान खान की तकरीर उनके घर जाने के खौफ को जाहिर कर रही थी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान की कल की तकरीर एक नाअहल और नालायक शख्स की थी। बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग हर केस में सुरखरू हुई। ज़रई शोबा तबाह, खाद छीन ली गई, किसानों का मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च के शुरका से खिताब। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान का ज़रई शोबा तबाह हो रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत ने मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। PIA का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा पहुँच कर गायब। तर्जमान PIA का कहना है कि फ़ज़ाई मेज़बान को मुलाजमत से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। फ़ज़ाई मेज़बान इस होटल से गायब हुआ जहाँ वो ठहरा हुआ था। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का तेज़ी से फैलाव जारी है। पाकिस्तान में कोरोना की शरह 12% तक जा पहुंची। दूसरे रोज़ भी 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना की शरह 12% तक जा पहुंची। दूसरे रोज़ भी 7,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस का तेज़ी से फैलाव जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में जारी कोरोना वबा के ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मज़ीद 8 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की मजमू तादाद 29,105 हो गई है। NCOC का कहना है कि 24 घंटे में कोरोना के 57,401 टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के मजीद 7,195 केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान मुल्क में कोरोना के केसेस मुस्बत आने की शरह 12.53% तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क में कोरोना के 1,113 जेरे इलाज मरीज इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमू तादाद 13,74,800 तक पहुँच गई है। आदादोशुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 5,26,899, पंजाब में 4,64,431, खैबर पख्तूनख्वा में 1,85,340 और बलूचिस्तान में 33,941 है, जबकि इस्लामाबाद में 1,18,292, गिलगित बल्तिस्तान में 10,497 और आज़ाद कश्मीर में 35,400 केसेस सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फराइज सर अंजाम देंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फराइज सरंजाम देंगी। इस दौरान वो मुमकिन तौर पर पहली खातून चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का एजाज भी हासिल कर सकती हैं। जस्टिस आयशा मलिक 3 जून 1966 में पैदा हुई। उन्होंने कानून की तालीम हासिल करने के बाद 1997 में वकालत शुरू की। जस्टिस आयशा मलिक
27 मार्च 2012 को बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक ने तकरीबन 10 साल फराइज सर अंजाम दिए। जुडिशियल कमीशन ने 6 जनवरी 2022 को जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की सिफारिश की थी। जुडिशियल कमीशन की सिफारिश के बाद पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरीरी ने उनकी तैनाती की हतमी मंजूरी दी थी। 21 जनवरी 2022 को वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 177 की ज़ेली शिक 1 के तहत तकरीरी की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रा 17 जजेस में से जस्टिस मुशीर आलम की 17 अगस्त को रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाली निशस्त पर जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हुई है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान की कल की तकरीर एक नाअहल और नालायक शख्स की थी, जबकि इमरान खान की तकरीर उनके घर जाने के खौफ को जाहिर कर रही थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को मेडिकली अनफिट करार दे दिया। लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि हफ्ता पहले वज़ीर आज़म ने रियासत मदीना पर जो आर्टिकल लिखा था उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की कल की तकरीर एक नाअहल और नालायक शख्स की थी, जबकि इमरान खान की तकरीर उनके घर जाने के खौफ को जाहिर कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आप धमकियां दे रहे थे, 3 साल पहले भी कहा था छोड़ूंगा नहीं और कल फिर कहा छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान ने अपनी जबान से इस कुर्सी की तजलील की है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने आवाम को किसी काबिल नहीं छोड़ा है, जबकि मुल्क का वजीर आजम आवाम को धमकियां देता है। क्या ये शख्स उस ऑफिस पर मुसल्लत करने के काबिल है जो आवाम को धमकी देता है, जो रियासत को धमकी देता है? उन्होंने कहा कि आपके बदबूदार इंतकाम की लहर गुजर चुकी है और बदतरीन इंतकाम के बावजूद नून लीग हर केस में सुरखरू हुई। आपने इक्तदार में आते ही अपोजिशन को फांसी की चक्की पर पीसा, लेकिन आपके झूठे इल्जामात के बावजूद हमने इंतकाम को बर्दाश्त किया। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि इमरान खान की औकात क्या है, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर ना मानने की और आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की? मुजरिम आटा चीनी और गंदम चोरी करने वाला होता है, जो आप और हुकूमती वजीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने 26 अकाउंट्स खोले और रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा ना कराया, लेकिन आवाम में जाएंगे तो आवाम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। लीगी तर्जुमान का कहना था कि आपकी हुकूमत में बाप के सामने बेटी को हथकड़ियां लगी थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि एक के बाद एक बहरान पैदा किया जाता है, नाअहल हुकूमत ने मईशत को गिरा दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ज़रई शोबा तबाह हो गया, खाद छीन ली गई, आज पाकिस्तान का किसान भूखा सो रहा है, किसानों का मौशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि एक के बाद एक बहरान पैदा किया जाता है, नाअहल हुकूमत ने मईशत को गिरा दिया है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क की हैसियत से जाना जाता था, आज पाकिस्तान का ज़रई शोबा तबाह हो रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत ने मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। खान साहब ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की, खाद और यूरिया का बहरान पैदा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज ज़रई मईशत तबाह, पाकिस्तान का किसान भूखा सो रहा है, किसानों का मौशी कत्ल हो रहा है। ये हालात हैं कि यूरिया के लिए किसान कतारों में खड़े हैं। किसान भूखा सोएगा तो मुल्क भूखा सोएगा। किसानों का मौशी कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसान मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मसाइल हल करो। अपना किसानों का मौशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये हमारा पूरा मुल्क का मौशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.